मरवाही उपचुनाव में चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में कांग्रेसी व भाजपा दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चुनावी सभा छत्तीसगढ़ के डोंगरिया, कोटगार और जोगीसार में हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डोंगरिया में सभा को संबोधित करते हुए गोरेला पेंड्रा जिला की गौरवशाली इतिहास को दोहराते हुए उन्हें संवारने की बात की और रमन सरकार पर हमला बोलते हुए छत्तीसगढ़ के भाजपा के 15 साल के कार्यकाल पर मरवाही को प्रेषित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विकास यात्रा रमन सरकार ने निकाली, परंतु विकास मरवाही तक उनके 15 साल के कार्यकाल पर नहीं पहुंचा। मरवाही में अपनी जीत के प्रति आश्वस्त भूपेश बघेल ने कहा कि हम प्रदेश में जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। वहीं पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे पास विधायक हैं, इसलिए विधायक आ रहे हैं। गोरेला पेंड्रा से संवाददाता उमेश अग्रवाल की रिपोर्ट। सरकार ध्वस्त करेंगे, ऐसा विश्वास है। जो जनता का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के जो हौसले हैं, उनकी मेहनत है, उसके बदौलत ही जीत मिली। भाजपा कह रही है कि सरकार डरी हुई है, इसलिए इतने विधायक और मुख्यमंत्री का 3 दिन से दौरा है। हमारे पास विधायक है तो वो तो आएंगे ही, विधायक नहीं लाते तो बोलते कि विधायक नहीं आ रहे हैं। आप कहते हैं पहले मरवाही में डर के मारे कारण लोग नहीं आ पाते थे, इसका डर रहता था। वो सभी जानते हैं क्या है, देखिए रमन सिंह जी क्यों नहीं आ रहे थे यहाँ, रमन सिंह से पूछना चाहिए वो क्यों नहीं आ रहे थे, यहाँ के विकास क्यों नहीं कर रहे थे, यहाँ जिला क्यों नहीं बनाया। 15 साल में बहुत सारे जिले बनाए रमन सिंह, लेकिन गोरेला पेंडा मरवाही क्यों जिला नहीं बनाया, ये सवाल तो रमन सिंह से पूछा जाना। न्याय यात्रा निकल रही है, जोगी फैक्टर काम कर रहा है, ऐसी अंदर गांव में खबर है। देखिए भाई, हमारे जो जितने प्रत्याशी उन्हीं से लड़ाई, जितने कैंडिडेट हैं उनके बीच लड़ाई होना है, जो लोग मैदान में नहीं उससे क्या लड़ाई। अमित आपसे जाति पूछ रहा है कि मेरी जाति बता दीजिए। आपकी जाति क्या है? नामदेव है। तो उसको तो आप ही बताओगे ना? नहीं, वो आपसे आप कोई शिकायत करेगा तो प्रमाणित आप ही करोगे ना। मेरी जाति जो है वो मैं बताऊंगा, इनकी जाति वो ये बताएंगे, तो अपनी जाति वो बताए। यदि शिकायत होती तो वो उसको प्रमाण करने की जिम्मेदारी खुद की होती है ना। जो भी कांग्रेस के विधायकों को अभी खून में जो है कांग्रेस अब नजर आने लगा है, पहले कांग्रेसी थे। सरोज पांडे, हाँ जी सरोज पांडे, सरोज पांडे ने आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर कि महिलाओं की अस्मिता और इज्जत से खेलने वाली पार्टी है। कल भरे जिला अध्यक्ष के मामले को लेकर के, जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता के पुत्र के मामले को आरोप लगाया। शिकायत हुई है उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई कांग्रेस शासन में संभव है। यूपी में हाथरस में क्या हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? सरोज पांडे एक शब्द क्यों नहीं बोली, क्यों नहीं बात कर रही वहाँ को? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.